नमस्कार साथियों, मैं ऋतुराज पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि जो अपना भारतीय शिक्षा पद्धति है, पहले से ही गुरुकुल पद्धति रही है, पर आज के समय में जो ये मॉडर्न शिक्षा पद्धति चल रही है बहुत अच्छी है। इसमें कमी नहीं है, बस थोड़ा सा और सुधार करना चाहिए कि हमें शिक्षा के साथ साथ साथियों जो हमारा संस्कृति है, जो हमारा संस्कार है, हमें बच्चों को वो भी सिखाना चाहिए। क्योंकि देखा जाता है कि अगर बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान ले रहे हैं तो उनमें इमोशंस कमी हो जाती है, जो भावनाएं रहती हैं, जो अपने माता पिता अपने बड़ों के प्रति आदर सम्मान जो होना चाहिए वो नहीं रह पाता है। क्योंकि साथियों, जब तक शिक्षा के साथ संस्कार नहीं जुड़ेंगे तब तक हम एक सभ्य समाज और एक जो है एक सभ्य समाज का परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमें मशीन नहीं तैयार करने हैं, हमें अपना जो हमारे बच्चे हैं उनको सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए उनको शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना बहुत अनिवार्य हो जाता है। साथियों, बच्चे बहुत समझदार होते हैं, वो बचपन से ही सीखना प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए हमें उन्हें बहुत छोटा समझकर सिखाने में देरी नहीं करनी चाहिए। शिक्षा को थोपना नहीं चाहिए, पर जो है समय से अगर हम उनको अच्छी अच्छी बातें संस्कार और पढ़ाई के बारे में अगर हम समय से बताने लगेंगे तो वो धीरे धीरे जो है सब सीख जाते हैं, समय से सीख जाते हैं। और अगर बात की जाए माता पिता की जिम्मेदारी का, एक अभिभावक का क्या दायित्व होता है, तो हमें सिर्फ उनका होमवर्क या फिर उनके लिए खाना बनाना, टिफिन तैयार करना, यही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमें भी ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और आ रहे हैं, इसके बीच में वो क्या क्या सीखे हैं, क्या क्या नहीं सीखे हैं, कौन कौन सी गतिविधि में सुधार आया है वो, तो इन सब चीज़ों को अब जो है एक अभिभावक भी ध्यान देगा तभी तो जाकर बच्चा अच्छे से शिक्षित हो पाएगा, अच्छे से जो है विकास कर पाएगा। साथियों, मैं मॉडर्न जो अपना एजुकेशन सिस्टम है हम इसका विरोध नहीं करते हैं, इसका बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है, बहुत अच्छे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, बहुत समय से सीख जा रहे हैं। पर अगर हम इसके साथ साथ अपने जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार हैं, हमारे जो भारत के महान विभूति हैं, अगर उनके बारे में हम उनको अच्छे से समझाएंगे, अपनी संस्कृति को बताएंगे, तो वो बहुत अच्छे से एजुकेशन और जो अपना कल्चर है दोनों को साथ में लेकर चल पाएंगे वो। साथियों, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें बच्चों में शिक्षा को जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए, उनके इंटरेस्ट उनकी रुचि के हिसाब से उनको जो है शिक्षित करना चाहिए। तो साथियों, मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आपके बच्चे अच्छे से शिक्षित हों और अपने जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कार हैं, उनको भी सीखें और पढ़ाई भी करें, दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो हम मशीन नहीं, हम एक मानव बनाएंगे बहुत ही अच्छा संस्कारी, जो कि एक सभ्य समाज का निर्माण कर पाएगा। तो शिक्षा के साथ संस्कृति संस्कार भी बहुत जरूरी है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके आपको लगता हो कि वीडियो आपके बच्चों के लिए अच्छा है, उनको कुछ शिक्षा मिल सकती है, तो आप उन्हें जरूर दिखाएं, उनको शिक्षित करें, उनको समझाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। सावन कहीं जद में कहीं बदले मुरारे, कहीं के आदि के।
सभी को दीपावली की हार्दिक शुभ कामनाएं। गोकुल हर हर महा हर हर महादेव हर हर सीताराम राधे श्याम जय माता दी। सभी को प्रणाम कर लो सर झुका के। राधे राधे जय माता दी। जनवरी फरवरी पढ़े रेडी हो ओके चलो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर
दिसंबर। अब इसके बाद क्या? फिर से और हाँ सर झुका के संस्कृति बेटा। चलो जल्दी से हिंदी में 12 महीनों के नाम बताओ, चैत्र से सुनाओ। माघ, फागुन, वेरी गुड। हाँ जोड़ो सीताराम 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 राम जय सीता। बोलो संस्कृति सीता राम सीता। संडे मंडे संडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे संडे। हाई फाइव। उसके बाद हम लोग संडे मंडे पक्का इधर आओ पास में आओ जल्दी आओ पास में आओ। हाँ यहाँ रहना ठीक है। चलो रेडी शुरू करें पक्का। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आओ तो अब वहाँ है लग गया बस यहाँ यहाँ तो ऐसा जाओ। चलो अब इसके बाद हम लोग जाते हैं बोलते रहो। Yeah!
हेलो सीताराम जल्दी जल्दी क्या तैयार करेंगे अब कल पढ़ेंगे ठीक है कल खेलेंगे भी ओके
ठीक है, राधे राधे।